वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कि मेरे चैनल पर एक बार जो है कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ गया है। अब ये स्ट्राइक कैसे आया है, क्यों आया है और ये क्यों आता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सोल्यूशन दूंगा और इससे कैसे बचना है और क्या क्या आपके चैनल पर नहीं करना है मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊँगा। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर पहली बार जो है कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक यानी कि वार्निंग के तौर पर भेजा गया है। मैंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया तो भी यहाँ पे जो है ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अब कभी भी नहीं हटेगा इस चैनल से, अब लाइफ टाइम के लिए ये जो है यहाँ पे देखिए चैनल वायलेशन वाला जो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का वार्निंग है ये लाइफ टाइम तक बना रहेगा। यहाँ पे देखिए कि एक ईमेल भी हमारे जीमेल में भेजा गया है। यहाँ पे देखिए तो इसने बता दिया है कि आपका जो है कौन सा वायलेशन हुआ है, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट कौन सा वीडियो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने मूवी डाउनलोड करना सिखाया था अपने एक वीडियो के जरिए, जो कि वो मूवी पेड था, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, उसे मैंने जो है किसी वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कैसे करना है मैं बताया था अपने एक वीडियो में। उसी वीडियो के कारण जो है यहाँ पे मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक यानी कि वार्निंग के तौर पर भेजा गया है। अब कितने स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट कर दिया जा सकता है, टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, पहली बार वार्निंग मिलने पर क्या होता है, सेकेंड बार वार्निंग मिलने पर क्या होता है, तीसरी बार मिलने पर आपके चैनल पर क्या असर होने वाला है, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको देखते रहना है। देखिए यहां पे इसने शॉर्ट में बता दिया है कि क्या क्या होता है, अब मैं आपको लॉन्ग में बताऊँगा कि क्या क्या होने वाला है आपके चैनल पर। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जो है जूम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे जूम करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई भी दे और मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि यूट्यूब पर कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्ट्राइक से जुड़ी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखें फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पर किस किस के कारण से जो है आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेजा जाता है, तो यहाँ पे देखें कम्युनिटी दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया। अगर आप इस लिंक को हमें कमेंट करते तो मैं इस लिंक को भी अपने वीडियो के नीचे लगा दूंगा। इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आपके चैनल पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाएगा। तो इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके चैनल पर कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है टोटल जानकारी दी गई है यूट्यूब की तरफ से कि यूट्यूब चैनल पर क्या नहीं करना है, आपको क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है, डिटेल्स में जानकारी दी गई। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके चैनल पर इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे वार्निंग के तौर पर भी नहीं मिलेगा, सेकेंड स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक भी आपके चैनल पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसे पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है जब आपके चैनल पर स्ट्राइक आता है वार्निंग के तौर पर, यानी कि मेरे चैनल पर पहली बार जो है वार्निंग आया है यानी कि चेतावनी आया है। चेतावनी में क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि इन्होंने बताया कि हम समझते हैं कि गलतियाँ सभी से होती है, आपका इरादा गलती करने का नहीं था, इसलिए हम सबसे पहली बार क्या करते हैं कि यूट्यूबर को वार्निंग भेजते हैं, यानी कि हमें ये जो है पहली बार वार्निंग भेजा है, उसने समझा कि यहाँ पे आपका इरादा हमारी नीतियों का उल्लंघन करना नहीं है, इसलिए पहली बार उल्लंघन करने पर सिर्फ चेतावनी दी जाती है। यहाँ पर देखें क्लियरली इन्होंने बताया है आपको सिर्फ एक बार चेतावनी मिलती है और यह चेतावनी आपके चैनल पर बनी रहती है हमेशा के लिए, अगर आप कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो। यहाँ पे देखें चैनल पर बनी रहती है हमेशा के लिए, अब यहाँ पे जो ये स्ट्राइक है ये हमेशा के लिए बनी रहेगी, अब कभी भी ये रिमूव होने वाला नहीं है। ये वार्निंग वाला यहाँ पर जो चैनल का वायलेशन वाला बैज लगा हुआ है ये हमेशा के लिए अब मेरे चैनल पर बनी रहने वाली है और कभी यह रिमूव नहीं होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि मोनेटाइजेशन पर कोई असर नहीं होगा, हमारा चैनल जो है मोनेटाइज होगा, मोनेटाइजेशन पर कोई असर नहीं होगा। अब चलिए सेकेंड स्ट्राइक जब आपके चैनल पर आता है तो क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है पहली स्ट्राइक के बारे में। देखिए एक बार आपको वार्निंग दी जाएगी तो आपके चैनल पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको पहली स्ट्राइक मिलती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर किया है, अगर हमें दूसरी बार पता चलता है कि आपने फिर से मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन का अगेंस्ट आपका वीडियो गया, यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट अपने वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया, तो आपके चैनल पर पहली स्ट्राइक भेजी जाती है, यानी कि फर्स्ट स्ट्राइक आपके चैनल पर भेजी जाएगी। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखें क्लियर किया है कि वीडियो अपलोड करना बंद हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम करना बंद हो जाएगा, स्टोरी भी नहीं डाल सकते हैं, शेड्यूल भी नहीं कर सकते, लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकते हैं, वीडियो गेम भी प्ले नहीं कर सकते हैं, शेड्यूल नहीं कर सकते हैं, प्रीमियर भी नहीं कर सकते हैं,
यहाँ पे आने वाले प्रीमियर लाइव स्ट्रीम के लिए ट्रेलर भी नहीं बना सकते, कस्टम थंबनेल कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं बना सकते, प्लेलिस्ट भी नहीं बना सकते, उसमें बदलाव करना, सहयोगियों को जोड़ना, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, सेव भी नहीं कर सकते। यानी कि कुल मिला के बात करें तो सिर्फ आप अपने चैनल में विजिट कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने विजिट किया, अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरे यहाँ पे चैनल वायलेशन में फर्स्ट स्ट्राइक आएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, केवल कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ पहली स्ट्राइक जब आएगी तो। यहाँ पे क्लियर किया कि आपको 1 हफ्ते तक ये काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे देखें कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम भी और कर देता हूँ। यहाँ पे देखें 1 हफ्ते तक ये काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। और अगर पहली स्ट्राइक पड़ता है तो पहली स्ट्राइक से, यानी कि मान लीजिए कि आज 17 मार्च है, 17 मार्च को इस चैनल पर स्ट्राइक पड़ा, तो 17 मार्च से आगे जितने भी 90 दिन होगा, 90 दिन तक जो है यहाँ पे पहली स्ट्राइक यहाँ पे बनी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स कि पहली स्ट्राइक मिलने के बाद आपके चैनल पर ये असर होता है, 90 दिन तक आपके चैनल पर पहली स्ट्राइक, यानी कि यहाँ पे चैनल वायलेशन जहाँ पे ये वार्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्ट्राइक देखने को मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसे गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं कैसा दिखता है। और क्या होता है कि चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पहली स्ट्राइक के बाद सेकेंड स्ट्राइक में क्या होता है। सेकेंड स्ट्राइक अगर आपके जो है पहली स्ट्राइक के 90 दिन के अंदर ही, यानी कि 1 स्ट्राइक आपको आज पड़ गया और ये 90 दिन क्रॉस नहीं किया, उसी बीच में जो है आपको दूसरी स्ट्राइक भी पड़ गया, तो क्या क्या होता है। तो यह यहाँ पे देखें कि क्या क्या होता है कि 90 दिन के अंदर आपके चैनल पर दूसरी स्ट्राइक भेजी जाती है तो आपको दो हफ्तों तक क्या सब नहीं करने की अनुमति मिलेगा। यहाँ पे जो ये लिस्ट दिया गया है, 1 हफ्ते पहले बैन करेगा, अगर दूसरी स्ट्राइक आएगी तो ये 2 हफ्ते तक ये सभी आपके चैनल पर बैन कर दिया जाएगा। और क्या होगा कि फिर से जो ये 90 दिन के अंदर, यानी कि पहली स्ट्राइक पड़ा, दूसरी स्ट्राइक भी पड़ गई, तो पहली स्ट्राइक भी 90 दिन तक पूरा होगा, दूसरी स्ट्राइक भी 90 दिन के बाद ही खत्म होगा। यहाँ पे देखे क्लियर किया गया है। अब फिर पहली स्ट्राइक पड़ गया और उसी 90 डेज के अंदर में तीसरी स्ट्राइक भी आपके चैनल पर पड़ जाता है, तो देखिए आपके चैनल पर क्या होता है। अगर पहली स्ट्राइक जारी होने के 90 दिन के अंदर आपके चैनल पर तीसरी स्ट्राइक भेजी जाती है तो उसे YouTube से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। हर स्ट्राइक की समय सीमा उसे जारी किए जाने के 90 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, पहली स्ट्राइक पड़ा और 90 दिन के अंदर में तीसरी स्ट्राइक भी आ गया तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, सभी कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो YouTube के क्षेत्र में जो है ये जो है कम्युनिटी गाइडलाइन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी स्ट्राइक जो होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, चैनल वायलेशन वाला स्ट्राइक जो होता है, बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक है, मोर डेंजरस बोले तो YouTube के क्षेत्र में जो है। थर्ड स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर पड़ता है तो कितना भी आपका सब्सक्राइबर क्यों ना रहे, मिलियन में रहे या फिर कितना भी बड़ा चैनल क्यों ना, आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप कोई भी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाता है और उस वीडियो को आपने डिलीट कर दिया तो भी जो है आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन भेजी ही जाएगी, क्योंकि यूट्यूब जो है, यूट्यूब का जो प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पर निजता का नियम जो है, उस निजता के नियम के अनुसार अगर आप वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं तो भी वो वीडियो YouTube निजता की नीति के अनुसार YouTube के पास रहता ही है। यहाँ पे देखें तो डिलीट भी अगर आप अपने वीडियो कर देते हैं तो भी आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखें, अगर आपके चैनल के खिलाफ कम्युनिटी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत भी अगर की जाती है, यानी कि कोई भी शिकायत कर देता है आपके चैनल के खिलाफ, तो आपके आधिकारिक कलाकार चैनल को स्टेटस निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद उसे सामान्य चैनल बना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम्युनिटी दिशा निर्देश जो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन है, अगर आप जो भी भाषा जानते हैं सभी भाषा में यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, किसी भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारा भाषा है, जो भी भाषा आपको पता है उस भाषा में आप जो है इस YouTube का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है सभी को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मेरे चैनल पर आज ही कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक पड़ा और मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो दे ही दूँ, और आज ही मैंने अपलोड किया था। मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने एक मूवी को डाउनलोड करना सिखाया था इस चैनल पर और मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है। वैसे मेरे पास 2-3 चैनल है तो इसलिए मैं 2-3 चैनल को क्रिएट करके रखता हूँ, ताकि जो एक चैनल डिलीट भी हो जाए तो दूसरा हमारा रहे।
तो फ्रेंड्स यूट्यूब में जो है कम्युनिटी गाइडलाइन को आपको पालन करना ही होगा, नहीं करेंगे तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।